महिलाएं इन दिनों हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में अब हिंदुस्तान जिंक की ओर से एक बड़ी पहल देखने को मिली है। राजस्थान के खनन कार्यों में आधुनिक सुरक्षा और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए पहली बार महिलाओं की खनन टीम का रेस्क्यू प्रशिक्षित किया गया है। ये 7 महिलाओं की टीम खनन कार्यों के दौरान अंडरग्राउंड में जाकर किसी भी तरह की अनहोनी से निपट सकती है। इसके लिए इन्हें विशेष प्रकार की नागपुर में ट्रेनिंग भी दी गई है। इन महिलाओं का सिलेक्शन इनके कठिन परिश्रम और इनके जज्बे के आधार पर किया गया। इसके बाद इन्हें विभिन्न तरीके से प्रशिक्षित किया गया कि किस तरीके से अगर अंडरग्राउंड के अंदर आपातकालीन स्थितियां आ जाती है तो उनका किस तरीके से सामना करना चाहिए। ये सभी महिलाएं एक प्रशिक्षित इंजीनियर है जो माइनिंग में पहले से ही कार्य कर रही हैं और अब इन्हें रेस्क्यू की भी विशेष ट्रेनिंग दी गई, जिसके तहत यह माइनिंग के तहत होने वाले किसी भी आपातकालीन परिस्थिति का सामना करने में पूर्ण तरीके से सक्षम है। मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग CTE उदयपुर से की है और मैं हिंदुस्तान जिंक में 2019 से काम कर रही हूँ। रेस्क्यू ट्रेनिंग की जरूरत मेरे को तब लगी क्योंकि एक अंडरग्राउंड माइन में जाने के बाद इंसान सरफेस से बहुत कट ऑफ हो जाता है और माइन में कुछ भी हादसा हो सकता है। माइन में जाने वाले हर एक इंसान को एक बेसिक ट्रेनिंग होती है फर्स्ट एड की, कि इनकेस अगर कोई भी इंजरी या कुछ भी इंसिडेंट हो जाए तो उसको वो कैसे डील करे। रेस्क्यू ट्रेनिंग उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है कि इनकेस अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, फायर हो जाए, लूज फॉल हो जाए या और भी कोई इंसिडेंट हो जाए तो उससे खुद को प्लस अपने आसपास काम करने वाले व्यक्तियों को कैसे बचाकर सुरक्षित सर्फेस पे लाया जाए। इस वजह से मेरे को रेस्क्यू ट्रेनिंग की आवश्यकता महसूस हुई। थैंक यू। हमारे जीरो हार्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान देने के साथ इस पहल का उद्देश्य महिलाओं का समान अवसर प्रदान कर प्रतिभाशाली महिलाओं को आत्म विकास हेतु प्रेरित करना भी था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह की पहल धातु और खनन क्षेत्र में उन महिलाओं को प्रोत्साहित करेगी जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहती है। हिंदुस्तान जिंक कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के आपात स्थिति में बचाव के लिए पूरी तरह सक्षम है। हमें गर्व है कि हिंदुस्तान जिंक को देश की पहली प्रशिक्षित महिला रेस्क्यू टीम का गौरव हासिल हुआ, जो सिर्फ हमारी खदान ही नहीं देश में किसी भी अन्य खदान में आपात स्थिति में सहायता के लिए समर्थ और तत्पर रहेगी। हमारे जीरो हार्म और सस्टेनेबल